वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर टू एग्रीकल्चर। ऑलरेडी पार्ट नंबर वन एग्रीकल्चर अपलोड कर चुके हैं, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर इंग्लिश में भी कराइए। तो आज से जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर के पार्ट आने वाले हैं, जो कि देखिए थीम बता देता हूँ, जनरल एग्रीकल्चर। हम कोई ऐसा नहीं करेंगे जिसमें कि जैसे बहुत ज़्यादा होता है ना, IBPS का भी होता है और दूसरे जो पंतनगर के होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड रहते हैं और जो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें हम जनरल एग्रीकल्चर करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबल आ सकते हैं। ओके, उसके बाद जो पार्ट टू है और पार्ट थ्री आने वाली है एग्रीकल्चर, जो थ्योरी बेस्ड रहेगा, उसमें जो फूड वाला चैप्टर था तो उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र है, मैन्योर है, उनके बारे में डिस्कशन किया है, तो वो भी पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो आज से ये पार्ट रहेगा पूरा बाइलिंगुअल, यानी कि दोनों लैंग्वेज में होगा। तो सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं कि मछली में प्रोटीन का प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन फिश इज 30% से कम होता है, 30 से 35%, 35 से 40% या 40 से ज़्यादा का प्रतिशत रहता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द आंसर, यानी कि 30% से कम क्या होता है, प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट है डेटस इज ए ग्राम पॉजिटिव। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। जनरली होता क्या है, ग्राम स्टेन में ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, वो नेगेटिव रिजल्ट शो करता है। ठीक है, कलर के बेसिस पे। अब ये किया क्यों जाता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है? जनरली देखिए बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें सेल वॉल जो होती है थिक होती है, जो कि पेप्टोग्लाइकॉन से बनी रहती है। वहीं ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल जो होती है थिन होती है। तो यही मेजर डिफरेंस पता करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम आंसर हो जाएगा। ये चार, ये जेंथोमोनस, सीडोमोनस और एरविनिया नहीं, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडस कन्वर्ट नाइट्राइट। आपको नाइट्राइट का फॉर्मूला और नाइट्रेट के फॉर्मूले पता होने चाहिए। नाइट्राइट और नाइट्रेट्स क्या होते हैं आप सबको पता है। जनरली नाइट्रोजन एज ए मेजर जो न्यूट्रेंट होता है, जो कि प्लांट को चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, बट क्या होता है कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, तो उसको क्या है, नाइट्राइट या नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेना पड़ता है, जो कि वाटर में घुला रहता है। सिंपल सी बात है, वाटर के बेसिस पर आएगा वो होगा। पर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से नाइट्राइट कंपाउंड इनटू नाइट्रेट NO2, ये देखो इनमें से NO2 कन्वर्ट करता है NO3 में, तो वो कौन करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, देखिए कितना जनरल एग्रीकल्चर का है, ये थर्ड पार्ट में मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो NO2 को जो NO3 में कन्वर्ट करता है वो है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडस कन्वर्ट अमोनिया इंटू नाइट्राइट। चलो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। नाइट्राइट का तो आपको पता है, देखिए दो चीज़ों की चीज़ें आपको याद रखनी है, जो नाइट्राइट है और नाइट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, नाइट्राइट NO2 होता है, नाइट्रेट NO3 होता है। तो इसमें अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है ये पूछ रहा है, NO2 में कौन कन्वर्ट करता है। ठीक है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला लिखना कमेंट बॉक्स में। सेम ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर। अगर राइजोबियम या एजोटोबैक्टर के बारे में बात करें तो ये दोनों बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। अभी क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर या व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइजर, ये जल्दी हम लाने वाले हैं, PDF भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनस। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो कि क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडस द फिजिकल मेथड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग नेमाटोड। नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक विधियां कौन सी हैं। नेमाटोड एक तरह से राउंड वॉर्म होता है, और नेमाटोड के बारे में हमने एग्रीकल्चर के पार्ट टू में किया था कि नेमाटोड क्या करते हैं, बहुत सारी जो प्लांट में डिजीज क्रिएट करते हैं, पढ़ा था हमने, फंजाई से भी होते हैं, बैक्टीरिया से भी होती है, नीमाटोड से भी होती है। तो नीमाटोड को अगर कंट्रोल करना है, हमें अपने पौधों को बचाना है, तो इनमें से क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या गर्मी का यूज़ करेंगे, रेडिएशन का यूज़ करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करेंगे, या सभी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप अपना पॉज करके कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं बिना मेरे आंसर बताए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। आंसर क्या हो जाएगा?
ऑल द अबव इज़ द राइट आंसर। ओके, तो हीट के बेसिस पर भी उसको हटा सकते हैं, रेडिएशन के बेसिस पर भी, और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सभी ऐसी फिजिकल मेथड्स होती हैं जिनके बेसिस पर हम एक नेमाटोड को हटा सकते हैं। बाकी बहुत सारी केमिकल मेथड भी होती हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिजिकल मेथड्स पूछी हैं तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एलाई क्रॉपिंग क्या है, ठीक है, एली क्रॉपिंग क्या है, गली फसल का अर्थ है, ठीक है। ज़्यादातर अगर कभी गूगल ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर गलत देखने को मिलता है तो आप प्रेफर करना कि जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको आप प्रेफर करेंगे, ठीक है, हिंदी को आप प्रेफर नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर बाइलिंगुअल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे हिंदी माध्यम के भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, इसलिए हम ये बाइलिंगुअल में लाए। ओके, ग्रोइंग ऑफ पास्चर्स इन बिटवीन टू वाइडली स्प्लेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, ठीक है, तेजी से बढ़ते पेड़ों की दो व्यापक रूप से फैली पंक्तियों के बीच चरगाहों का पड़ना, पास्चर्स का बढ़ना, या ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, यानी कि तेजी से बढ़ते पेड़ों के दो व्यापक रूप से फैली पंक्तियों के क्षेत्रों के बीच क्या करना, फसलों, क्षेत्र की फसलों की बढ़ती को हम क्या कहते हैं, एलाई क्रॉपिंग कहते हैं। या उसके बाद ग्रोइंग ऑफ ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स इन बिटवीन टू वाइडली, सपोज यहाँ पर, सपोज ये रो है, यहाँ पर बहुत जो पेड़ हैं अच्छे यील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनके बीच में ऐसा पौधा लगा देना या ऐसे फसल लगाना जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, यानी कि 2-3 महीने में काट दी जाती हो, उसे कहते हैं। या ग्रोइंग ऑफ ओनली फॉडर क्रॉप्स इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड, फॉडर मतलब चारे वाली क्रॉप होती है ना, जो खाने वाली क्रॉप होती है, तो दो बढ़ते हुए पेड़ों के बीच में अगर ऐसे जो है फसलों को लगा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एली क्रॉपिंग कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर है हमारा बी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी कि तेजी से बढ़ते पेड़ों के दो व्यापक रूप से फैली पंक्तियों के बीच क्षेत्र की फसलों की बढ़ती को, ठीक है, जो होता है फास्ट ग्रोइंग जो ट्रीज के बीच में, ग्रोइंग इन फील्ड क्रॉप्स जो हैं अगर, ठीक है, फील्ड क्रॉप्स का ग्रोन हो तो उसे एली क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो अभी एग्रीकल्चर में ये क्या होने वाला है, क्रॉपिंग क्या है, एली क्रॉपिंग क्या होता है, ये भी मैं समझाऊंगा और उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सबको पता है साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या ब्लू ग्रीन एल्गी 20-30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एक राइस फील्ड में फिक्स करता है, या 40-50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करता है, या 8-10 kg, या 60-70 kg। देखिए बहुत जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम एग्रीकल्चर के डीप में चले गए कि यार साइनोबैक्टीरिया के बारे में और ज़्यादा जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नहीं गए हम, नॉर्मल सी चीज़ है, जो फर्टिलाइजर जो चीज़ें दी हैं हम उसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावना है, ठीक है। वैसे तो जज कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि पहली बार ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो कोई भी नहीं बता सकता कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबल है जिस बेसिस पे सिलेबस है वो तो क्या कहता है कि जनरल एग्रीकल्चर की बात करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, यानी कि जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी है वो 20-30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, याद रखना पर हेक्टेयर फिक्स करता है, ठीक है, 20-23 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, ठीक है, ओके। एसेंट ऑफ सेल सैप फ्रॉम रूट टू ट्री टॉप, यानी कि पेड़ों की जड़ों से लेके ट्री के ऊपर टॉप तक सेल सैप होता है। सेल सैप का मतलब क्या होता है, सेल सैप का मतलब होता है कि जो लिक्विड होता है, एक तरह से लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे शुगर होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसे सेल सैप कहते हैं, यानी कि लिक्विड। वैसे ही प्लांट में बहुत सारे मिनरल्स होंगे, तो उसे क्या है, जड़ों से लेके ऊपर तक जाने में कौन मदद करता है, तो आई थिंक ये मुझे नहीं बताना चाहिए, ये आपके लिए आंसर रहेगा 9th। हिंट दे देता हूँ, वाटर और मिनरल को कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है, जाइलम, कैम्बियम सेल्स या लेंटिकल्स। तो इसमें तो कोई ऑप्शन देने की, आई थिंक ऑप्शन भी नहीं देने की जरूरत थी, बट ये आना चाहिए आपको, ठीक है, तो ये आंसर देना, ओके। अच्छा, ये आंसर तो मैंने सभी में लिखे हुए हैं, तो आंसर चलो ये बी हो गया, ठीक है, तो इस पर नहीं लिखना था, अब से मैं लिखूंगा नहीं। चलो हाँ, कमेंट बॉक्स में एक ये भी बताना, क्योंकि अभी तक मैं क्या करता था, आप ऑप्शन नहीं बताता था, तो एक ये मेरे को भी सजेशन देना, फिर जैसे जो भी कमेंट आएंगे, चाहे 1-2 भी कमेंट आएंगे इस बेसिस पे, तो मैं उनका सजेशन लेके आगे बताऊंगा कि क्या
जैसे ये ऑप्शन बी दे रखा है, क्या स्क्रीनशॉट लेने में आपको हेल्प मिलती है, जिससे भी आपको फ़ायदा होगा मैं वो करूँगा, या तो अगले उससे ऑप्शन नहीं रखूँगा या अगले उससे ऑप्शन रख दूँगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी मैं दूसरे क्वेश्चन अलग जो क्वेश्चन है वो पूछा करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड रेट क्या होता है। सबसे पहले ये बता देता हूँ, सीड रेट होता है कि पर्टिकुलर एक हेक्टेयर की लैंड में, एक हेक्टेयर की ज़मीन में कितना बीज बोना चाहिए ताकि बहुत सस्टेनेबल तरीके से, बहुत कंट्रोल्ड वे में और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा यील्ड हो उस जिस भी जो फसल उगाई जा रही है, तो उसे सीड रेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक हेक्टेयर में बहुत सारा 30-40 kg क्या कर दे रहे हैं, गेहूँ की बीज डाल दे रहे हैं, तो इससे मतलब नहीं है। तो सीड रेट तभी बनाया जाता है कि एक हेक्टेयर ज़मीन में कितना जो सीड डालें कि अच्छी यील्ड मिले, अच्छी फसल मिले, ज़्यादा फसल मिले। तो इनमें से ये बोला जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि एक हेक्टेयर जो ज़मीन है क्या गेहूं के 100 किलो बीज डाल सकते हैं उसमें, उड़द के 20 किलो और मक्का के 18 kg, या मस्टर्ड सरसों के 20 kg। तो ये ऑप्शन बहुत सिंपल सा यहाँ पर है, ऑप्शन तो सिंपल है बट ऑप्शन जब मिल जाते हैं, चार ऑप्शन आ जाते हैं तो वो टफ लगते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि सरसों का, यानी कि जो सरसों है उसमें जो सीड रेट है ये मैच नहीं करता। बाकी एक हेक्टेयर लैंड में गेहूं के 100 kg, उड़द के 20 kg और मेज यानी कि मक्का के 18 kg जाते हैं बट मस्टर्ड के 20 kg नहीं जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, लेयरिंग इज़ यूजफुल फॉर प्रोपगेशन ऑफ। आप सबको लेयरिंग पता होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसमें कि क्या होता है, एक नीचे अलग प्लांट होता है, ऊपर लेयर काट के उसकी अलग पौधा उगा दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं बट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किसके लिए ज़्यादा लाभदायक है, गुलाब का फूल, लहसुन यानी कि गार्लिक, नींबू या गन्ना। अब होता देखिए, दो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि लेयरिंग उससे की जाती है बट यहाँ पर क्वेश्चन के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह किसके ज़्यादा फायदे हैं। अगर हम रोज़ की लेयरिंग करते हैं तो याद रखना, क्योंकि रोज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इवन बहुत कम टाइम पे ये उग जाता है जल्दी, ठीक है, नहीं तो अगर वैसे लगा दें तो बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, रोज़ के बारे में अगर बात करें तो, ठीक है, एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल नहीं खाता है। अगर बात करें हम इस बारे में, चार ऑप्शन के बारे में, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। मार्थंडम जो प्रोजेक्ट है वो स्पिंसर हैच ने स्टार्ट किया था, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हमारा, स्पिंसर हैच। अब ये है क्या मार्थंडम प्रोजेक्ट, इसके बारे में हमें क्यों इतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए। देखिए, जो अगर बात करें, स्पिंसर हैच थे वो अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट थे, तो हुआ क्या था, इंडिया में वो आए थे, केरला जो राज्य है हमारा वहाँ आए थे, साउथ ट्रेवंकोर में। तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारे गांव हैं वो बहुत ज़्यादा 5 किलोमीटर की रेडियस में बहुत 40 गांव फैले हुए हैं, हर 5 किलोमीटर के बाद एक नया गांव शुरू हो जाता था। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, वहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, जो वाटर है वो अच्छा नहीं था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, लोन बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। तो इन्हीं सभी चीज़ों को एक तरह से रूरल कंस्ट्रक्शन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र को किस तरह से और अच्छा बनाया जाना चाहिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, ठीक है, वो सुधारनी चाहिए, ऐसा प्रोग्राम 1921 में स्टार्ट किया गया था स्पिंसर हैच द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये किससे रिलेटेड है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाना, डेवलप करना, ये पूरा प्रोजेक्ट था। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर, क्योंकि ये अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट थे और उन्होंने एक तरह से फसल की मदद से भी लोगों की इकोनॉमी के जो वैल्यू है वो बढ़ा, यानी कि फसल उगाएंगे तो सिंपल सी बात है लोगों की आर्थिक जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर कंसर्न विथ फोटो रेस्पिरेशन। सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन का मतलब आना चाहिए, फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। जनरली पौधे हमें क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 जो हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं या इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, बट फोटो रेस्पिरेशन में लाइट की प्रेजेंस में जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि फोटो रेस्पिरेशन जो पौधे होते हैं वो एक्चुअल में
ऑक्सीजन को ही कंज्यूम कर ले रहे हैं इस प्रोसेस में। सिंपल समझ में आया, ऑक्सीजन को ही कंज्यूम कर रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। फोटो रेस्पिरेशन इज द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो सनलाइट की एनर्जी है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आपको ऑक्सीजन मिलती है, वो CO2 से अपना खाना यानी कि शुगर वगैरह बनाते हैं। बट फोटो रेस्पिरेशन जो है ये कौन सा इससे कंसर्न्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम, राइबोसोम या लाइसोसोम? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, यानी कि परऑक्सीसोम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, परऑक्सीसोम आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रेंज इज द मेजरमेंट बिटवीन। रेंज इज द मेजरमेंट बिटवीन, रेंज के बीच की माप है, हाइस्ट एंड लोवेस्ट, मीडियम एंड लोवेस्ट, एवरेज एंड हाइस्ट, नन ऑफ द अबव। रेंज जनरली नापी जाती है किस बेसिस पे, सबसे ऊंचा और सबसे निचला क्या है उसके बेसिस में बोला जाता है कि ये इतनी रेंज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है फ्लूड मोजेक मॉडल। आपने बहुत बार ये एग्रीकल्चर में सुना होगा, तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस जो टर्म से एसोसिएटेड है फ्लूड मोजेक मॉडल। ज़्यादा हम फ्लूड मोजेक मॉडल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्या है, बट ये पूछा जा सकता है कि फ्लूड मोजेक मॉडल किस से एसोसिएट है। सही है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे पढ़ते हैं ना कि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, एग्रीकल्चर ये बायोलॉजी मैंने भी पढ़ाया, चलो बताओ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, ये आपका क्वेश्चन है। बट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होती है ये हम नहीं पढ़ेंगे, बट किसने दी ये पूछा जा सकता है, इसलिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड मोजेक मॉडल किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बायोमेम्ब्रेन से। ठीक है, किससे, बायोमेम्ब्रेन से। ओके, नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बारे में कुछ मैं थोड़ी सी डिटेल बताने वाला हूँ एग्रीकल्चर को कैसे जाएंगे, और लास्ट की 30 डेज की स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो आएगी किस तरह से 30 डेज को मैनेज करें, क्योंकि हम मोस्ट, चलो आगे बताता हूँ मैं। सबसे पहले होलो हार्ट डिजीज ऑफ शुगर बीट इज कॉज्ड ड्यू टू, शुगर बीट के होलो हार्ट जो डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर पार्ट टू जिसने नहीं देखा है उसमें हमने जो डिजीजेज हैं एग्रीकल्चर डिजीज हैं वो अच्छे से कराई हुई हैं। तो ये होता है बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी। तो देखो, पहले तो एक सजेशन आपसे यही लेना है कि मैं सिर्फ ये बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण ये बता दूं, या कभी भूल जाते हो तो मैं ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि वन लाइनर है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने आज का एग्रीकल्चर डिस्कस किया, आगे कुछ 10 बार पार्ट आने वाले हैं, फिजिक्स के भी पार्ट आएंगे, तो स्टे ट्यून। बाकी अगर बात करें हम आगे के बारे में कि लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी है, एक वीडियो तो यही आएगी, लास्ट 30 डेज का क्या करना चाहिए, साइंस को कितना आप टाइम दो, एग्रीकल्चर को कितना टाइम दो, या एग्रीकल्चर के लिए हम सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, या कौन सी बुक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से तो थोड़ा सा कुछ मिल चुका है उनको एग्रीकल्चर का, बट इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं, तो इंग्लिश मीडियम के लिए ही मैं जनरली प्रिपेयर कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी वैसे दोनों में ही है, वो पूरा सिलेबस वाइज कवर कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मिल नहीं रही है बुक, है ना। हिंदी मीडियम में तो कुछ अरिहंत की बुक आई है, उसको पढ़ रहे हैं बहुत बच्चे, तो हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, मैं अच्छे से ब्लॉग पूरा अच्छे से आपको सर्च करके पूरा एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले एक 30 डेज की स्ट्रेटजी, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि 15 अप्रैल को पेपर है, माना कि अगर थर्ड वीक में भी हो तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा देखो पेपर होना फिक्स है ये बता दूं आपको मैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग स्किप कर सकते हैं, अभी पेपर होना बहुत ज़्यादा, मतलब पेपर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि पेपर कैंसिल हो जा रहा है, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 100+ सीटों में डायरेक्ट आपका जो है भर्ती होगी। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जीत जाता है सपोज, तो उस पर क्या होगा कि फिर 316 पूरे 316 पोस्ट में भर्ती होने वाली है। सपोज फॉरेस्ट गार्ड जीत जाते हैं तो उसमें 100+ जो सीट है उस पर भर्ती होगी, बट एग्ज़ाम होना फिक्स है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप तैयारी कीजिए। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं या छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फॉरेस्टर का होना ही होना चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि सपोज 15 अप्रैल को सपोज हो गया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि यार पहले तो ये कर रहे थे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो पहले स्ट्रेटजी 30 डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे एक दो वीडियो में। दूसरा, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या आपको जानना है, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और सभी के बेसिस पे सभी के क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, दूसरा
ये होगा कि जो एग्रीकल्चर पार्ट थ्री आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन ही पार्ट होंगे जिसमें कि एग्रीकल्चर पूरा ही कवर होगा, ठीक है। तो और कुछ नहीं, बाकी हम ये एमसीक्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो यही दो इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। और दूसरा, आगे जो जिन लोगों ने अभी हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। इवन बहुत सारी हम चीज़ें अपलोड करते हैं तो आप तक वो नोटिफिकेशन जाता नहीं है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही है, कुछ जा नहीं रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, तो उसके बेसिस पर टेलीग्राम बनाया हुआ है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण, द हिंदू, ये शेयर करते हैं। बाकी जो भी रिसेंट अपडेट होती है वो मैं आपको बताता हूँ, और बहुत सारी जो पीडीएफ है वो मैं शेयर करते रहता हूँ इसमें, जो कि पूछी जा सकती हैं, जैसे विटामिन क्या है, उसकी डेफिशिएंसी क्या है, जो कि पूछे जा सकते हैं दिन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।